خسار كان محافظ عثمان و اور کا تعلق سے اور کلاس کا طالب علم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّ أخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك فأولئك

लोगों को खलीफा बनाया और उनके लिए उनके दीन को जो उसने उनके लिए पसंद किया ज़रूर तमकनात अतः करेगा और उनकी खौफ की हालत के बाद ज़रूर उन्हें अमन की हालत में बदल देगा वो मेरी इबादत करेंगे मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएँगे और जो उसके बाद भी ना शुक्री करे तो यही वो लोग हैं जो नाफ़रमान हैं सूरत नूर आयत नंबर छप्पन तो। सिर्फ पढ़ा ही है ये समझ भी आ जाती है उर्दू की ठीक तरह जी मैं हूं। समझता हूँ चले आप समझता हूँ तो ठीक है अगर आप कहते हैं ना समझती हूँ तो फिर ठीक था नहीं था <laughs> चलो बैठ जाओ अच्छा अमादुद्दीन मिस्री उर्दन हदीस السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي خاكسار كانام عماد الدين المصري هي خاكسار كتعلق علق أردنسيه أردرجة شاهد كطالب علمها حديث بش خدمته بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم إنك حميد مجيد عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون النبوه فيكم ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون ملكا جبريه فيكون, فيكون ما شاء الله ان يكون ثم يرفعها الله تعالى ثم تكون خلافه على منهاج النبوه ثم سكت حديث كاترجما بشي خدمتها حضرت حزيفة رضي الله عنه بيان هيك اه حزرت صلى الله عليه وسلم نفرمايا ثم نبوه كايم जब तक अल्लाह चाहेगा फिर वह उसको उठा लेगा और ख़िलाफत आलामिन हाज नबूत कायम होगी फिर अल्लाह तब चाहेगा उस न को भी उठालेगा फिर उसकी तकदीर के मुताबिक इज़ारसाम बादशाहत कायम होगी जिससे लोग दिल गिरफ्त होंगे और तंगी महसूस करेंगे जब यह दौर ख़त्म होगा तो उसकी दूसरी तकदीर के मुताबिक उससे भी बढ़ कर جابر بعد شاهد كايم هوقي: يا هاتك الله تعالى كرحم جوش مي آييغا، اور از ظلمو ستم کے دور کو ختم کر دے گا. اس کے بعد پھر خلافت على منهاج النبوة كايم هوقي. فرما فرماكر رسول الله صلى الله عليه وسلم خاموش ہو گئے يا حديث مشكات المصابيح باب الانذار والتحذير سي کی كي ہے جزاك <تصفح> الله. अच्छा अब शाहिद में थे न? नजम ताहिर रमजान जी मरवा या मरुंदा? जी ताहिर है, मरुंडा ताहिर रमजान मरुंडा है मरुंडा 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 अच्छा ठीक है चलो फरमाओ क्या फरमाते हो जी श्यारो हज़ूर खाकसार का नाम ताहिर रमज़ान मरुंडा है और खाकसार तंजानिया से ताल्लुक रखता है और दर्जा खामिशा का तालब इलम है तनजानिया वालों को तो आसानी है सीखने में उर्दू क्योंकि सु और उर्दू के काफ़ी लफ्स मिलते जुलते भी हैं बाज़ हैं जी जी बिल्कुल हजूर जी बिल्कुल चलो फिर नजम पढ़ दो पाकिज़ा मंजूम कलाम हजरत अकदस मसीह माउद पेश ख़िदमत है <coughs> हम दो सना उसी को जो जात जावेदानी हम सर नहीं है उस का कोई कोई सानी बाकी वही हमें शा गैर उस के सब हैं फानी गैरों से दिल लगाना झूठी है सब कहानी सब गैर हैं वही है एक दिल का यारे दिल में मेरे यही है सुबह न सबका वही सहा रहमत है का हमको वही प्यारा दिल भर वही हमारा उस बिन नहीं गुजारा ैर के झूठ सारा ये रोज़ कर मुबारक सुबह न मी ये रोज कर मुबा

सही जी रहमतुल्लाहि व बरकातहू खक्सर का नाम जरूर है अच्छा, और मेरा से है अच्छा अलैहि सल्लत व सलाम की किताब फाही इस्लाम से एक इक्तिबास पेश करना चाहता है अच्छा अच्छा हजूर सलाम फरमाते हैं और सच्चाई की फतह होगी और इस्लाम के लिए फिर उस तजगी और रोशनी का जीन आएगा जो पहले वक्तों में आ चुका है और वह आफ्ताब अपने पूरे कमाल के साथ पिर चढ़ेगा जैसा कि पहले चर चुका है लेकिन अभी ऐसा नहीं जरूर है कि आसमान उसे चढ़ने से रुके रहे जब तक कि मेहनत और जनफानी से ख़मर जगर ना हो जाए और हम सारे आरामों को उसके जहूर के लिए ना को दे और एजाज इस्लाम के लिए सरे जिलतें कबूल ना कर ले इस्लाम का जिंदा होना हम से एक फदिया मांगता है वो क्या है हमारा इसीरा में मारना यही माउद है जिस पर इस्लाम की जिंदगी मुसलमानों की जिंदगी और जिंदा खुदा की तजाली मौकूफ़ है और यही वो चीज़ है जिसका दूसरे लफ्ज़ों में इस्लाम नाम है इसी इस्लाम का जिंदा करना खुदा ताला आप चाहता है फतह इस्लाम रुखान हज़ैन जो नंबर पर चिंद सभा पर दस वगैरह अच्छा माशा उर्दू सारों को आती है जिन जिन को उर्दू आती है वो हाथ खड़ा करें जिनको उर्दू समझ आती है सारी क्लास सारे जामिया को उर्दू समझ आती है अच्छा तो क्या कहते हैं जामिया के स्टूडेंट ये क्लास वाइज बैठे हुए हैं मुमायदा उला सानिया सालसा राबा खामसा शाहिद जी हुजूर या, मि, या मिक्स या मिक्स होके या मिक्स हो हो या मिक्स हो के बैठे हुए हैं शाहिद के तहत नहीं फ्रंट सीट्स पे शाहिद हैं और उसके बाद पीछे खामसा और राबिया सीनियर्स आगे हैं और जूनियर्स पीछे अच्छा बजाय इसके कि लाइन लगाते हर एक को मौका दे देते हैं आगे बैठने का अपने किया खैर बैठ जाएं बैठ जाएं आप अच्छा ये जो आखिर में बैठे हुए हैं ममाइदा के लड़के हैं जूर ओला के हैं मद अभी ऑनलाइन तदरीस कर रही है सिर्फ ममायदा इस वक्त घरों में है बाकी तमाम तलबा मौजूद हैं ठीक है बैठ जाए अच्छा फिर क्या कहते हो बच्चों को सवाल करना है तो करो हाँ खड़े यस यस खड़े हो जाओ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्यारे हुजूर वालेकुम सलाम क्या फरमाते हो खक्सार का नाम जी सर खक्सार का नाम हाफिज ओजो शमसुद्दीन है खक्सार नाइजीरियन है पूरा हिफ्ज़ किया हुआ है कुरान करीम जी सर अच्छा माशाल्लाह आगे बताओ क्या कहते हो मैं नाइजीरिया से आया हूँ और दर्जा शाहिद मैं जेर तालीम है अच्छा यूरोबा हो गया अफसा हो यूरोबा अच्छा आगे जी सर मेरा सवाल ये है कि खुदा ताला का कुर्ब हासिल करने का सबसे ज्यादा बेहतरीन जरिया क्या है सर खुदा ताला को हासिल करने का खुदा ताला का कुर्ब हासिल करने का खुदा ताला कुर्ब हासिल करने का उसका कुर्ब तो अल्लाह ताला ने ने हमें बता दिया पहले तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि मैंने इंसान को इबादत के लिए पैदा किया है अल्लाह की इबादत करो ठीक और अपनी जो पैदाइश का जो हक है वो अदा करो हैं उमा खालतुलजन्ना वाल याबुदून हैं पैदाइश का हक अदा करो दूसरी बात आ वसल्लम ने फरमाई और अल्लाह ताला ने हमें पढ़ाई अल्लाह ताला ने ईमान बिल गैब के बाद पढ़ाया यु सलात नमाज़ें कायम करो ठीक है अल्लाह ताला का हुक्म है नमाज़ कायम करो दूसरी अहम चीज़ है नमाज इबादत अल्लाह ताला तक ईमान लाने के बाद नमाजों की अदायगी फिर नमाज़ में आ हज़रत सल वसल्लम ने फरमाया कि इंसान जब सजदे की हालत में होता है उसको सबसे करीब होता है अल्लाह ताला के, ठीक है उसमें में सजदे में दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें अपना कुर्बता करे हैं जो तुझसे ना मांग जो तुझसे मांगता हूँ वो दौलत तुम ही तो हो अल्लाह से कहो जो मैं तुझसे मांग रहा हूँ दौलत मुझे पैसा नहीं चाहिए मुझे दुनिया नहीं चाहिए मुझे तेरा कुर्ब चाहिए और जब तेरा कुर मिल जाएगा तो दुनिया की दौलत भी मेरी लौंडी बन जाएगी मेरी गुलाम बन जाएगी और दुनिया की सहूलतें भी मेरी गुलाम बन जाएंगी और मेरी रूहानियत भी बढ़ जाएगी तो फिर सजदे में दुआ किया करो कि अल्लाह ताला अपना बता करे ठीक ठीक है सर ठीक है सर बैठ जाओ हाँ आगे जहाँ खड़े हो जाओ पीछे वालों से भी कुछ पूछने दो आगे इस करते रहेंगे हाँ फिलहाल तो आ जाओ न आगे हाँ जी जो खड़े हो वही वालेकुम वाले वाले तो वाले क्या फरमाते होदीर ना है नामीदी है हमीदी अच्छा जी, जी जा, हाँ जाओ फरमाओ क्या फरमाते हो खाकसार का ताल्लुक खाकसार का ताल्लुक गाना से है गाना से है राजा शाहिद का तालब इल्म है अच्छा माशाल्लाह हुजूर खाकसार का सवाल ये है कि हुजूर ने गाने के कुछ गाने गाए हैं और उन गानों में से कौन सा सबसे ज्यादा पसंद आया था और गाने में किस इलाके का पाल ज्यादा याद आता है गाना खाने खाए हैं गाना का खाना जी अच्छा जी घाना के खाने जो जो है मैंने तो फूफू और ओकरो सूप के साथ भी खाया हुआ है और के, केंके भी खाया हुआ है और प्लांटेन भी खाई हुई है और हमारे ज़माने में तो खाना के हालात इतने अच्छे नहीं थे घानियाँ तो दोपहर का जो लंच है ना वो तीन चार टुकड़े भुनी हुई प्लांटेन के और आठ दस ग्राउंड नट के लेके ना उसी से खा लिया करते थे लंच है लेकिन बहरहाल हमें अल्लाह ताला अल्ला ने फजल किया तो खाना खाना जो है वो लोगों को तो पसंद ही मैं फूफू और ओकरो सूप जो था मुझे अच्छा लगा करता था मैं खा लिया करता था है? <laughs> ठीक है और फिर घानियन जो है जोलफ राइस बड़ा अच्छा होता है हैं जोलफ राइस ही कहते हैं ना उसे हैं भी पसंद करता हूँ जी हाँ बल्कि मेरे मेरे जब मेरे बच्चे तो छोटे होते थे वहाँ वो तो कैंके बड़ा पसंद करते थे है? जी तो ये था बाकी फल फल घाना में हर किस्म का फल बड़ा अच्छा है घाना में सबसे अच्छा मैं पाइन है पाइन बड़ा खट्टा होता है अमूमन लेकिन मैं जब साचर में होता था ना तो मैंने देखा उसके साथ मानकसम की तड़प जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा गांव आता है कुर्सी आता है ना कुर्सी कुर्सी में कुर्सी का पाइन जो है ना घाना में सबसे अच्छा होता है माशाल्लाह ठीक <laughs> है और वो बड़ा बड़ा मीठा भी होता है और मुझे पाइन बड़ा पसंद होता था वहाँ का ठीक है और मुझे घानियन का ऑरेंज खाने का जो तरीका है वो भी बड़ा अच्छा लगता है के ऊपर से हल्का हल्का पील कर देते हैं उसके बाद जिन्होंने दबा के चूस चूस के खाते हैं ऑरेंज को हैं जी, <laughs> तो तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी चीज़े हैं केला भी बड़ा अच्छा मेरे घर में भी केले लगे हुए थे बड़े अच्छे होते थे केले ठीक वहाँ मुख्तलिफ़ रंगों के केले हैं सुरख रंग का भी केला और छोटा केला भी बड़ा केला भी और जर्द रंग का भी मुख्तलिफ किस्म के केले होते हैं हलीफतरमसी तो सालिस तो जब मैं वहाँ था दौरे पर आए थे तो वहाँ छोटे छोटे सुरु रंग केले मैंने रखे सामने तो कहते ये क्या है पता नहीं मज़ा कैसा होगा इसका मैं कहा नहीं खाएँ बड़ा अच्छा मज़ेदार है फिर मैंने खलीफ और सालस को खिलाया वो छोटा केला इतना सा सुरंग का इतना सा छोटा सा केला होता है उन्होंने खाया कहते हैं हाँ वाकई मज़ेदार है फिर पैशन फ्रूट घाना में होता है वो बड़ा अच्छा होता है वहाँ ठीक है फिर सलाद खाने के लिए एवोकेडो पेयर जो है वो एवोकेडो पेयर जो हमारे घर में भी एक दरख्त लगा हुआ था उस पर लगा करती थी तो घाना में तो बेशुमार चीज़ें हैं मैंने एक दफ़ा उस हालात ख़राब थे तो खलीफा साहबे ने मुझे लिखा कि हालात ख़राब हैं पता नहीं तुम लोगों को तुम्हें खाने का बड़ा शौक़ है खाना भी पसंद का मिलता है कि नहीं मैंने कहा बड़ा अच्छा खाना मिलता है अब यहाँ आएँ उस खिलाफों से पहले की बात है उनकी अभी खलीफा नहीं बन थे खलीफा रहा है मैंने कहा अब यहाँ है आपको फल खिलाएंगे। केला है माल्टा है पाइनपल है कहते तुमने तो ऐसी तो ऐसी चीज़ों के नाम ले दिए हैं हम तो यहाँ खा ही नहीं सकते पाकिस्तान में तो बड़ी अच्छी चीज़ें हैं पाकिस्तान में घाना तो में पाइन तो बड़ी महंगी चीज़ है बड़ा अहम चीज़ है बड़ा पसंद किए जाने वाला फल होता है और हम वहाँ कुर्सी जाते थे और एक सी का पाइनपल लेकर खा लिया करते थे <laughs> अब तो अब तो महंगा हो गया होगा है ना? जी। चलो जी। ठीक बैठ जाओ हाँ जी खड़े हो जाओ वालेकुम प्यारे वाले आ, का नाम खक्सार का नाम सुलम अबलाकिम है और अक्सर नाइजीरिया से ताल्लुक रखता है इंडिया से कहाँ से इंडिया से नाइजीरिया से ताल अच्छा 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 हाँ और शाहिर का तालिब इल्म है हाँ क्या फरमाते हो सवाल इस्तिखारा की है शायद शाहिर का अच्छा क्या फरमाते हो आ, मेरा सवाल इस्तिखारा के बारे में है कि दुआ करने के बाद भी बाज़ अवकात ख्वाब नहीं आती तो हसास मौजूद के बारे में कैसे फ़ैसला किया जाए मसाला शादी करने के लिए रिश्ता कबूल करना या ना करना अच्छा सर सा, सारा जोर तुम्हारा शादी परे पर का है हैं और और बातें भी होती है इसखारा करने के लिए पर लगता है तुम्हें शादी का ज़्यादा शौक़ है किस क्लास में पढ़ते हो <laughs> जी सर किस क्लास में पढ़ते हो <laughs> शाहिद शाहिद हाँ शायद मैं बस और तुम्हारी बारी आ गई शादी की अब शादी हो जाएगी <laughs> हैं तो इस असल में बात यह है कि इस्तारा क्या चीज़ है इसतखारा तुम जामिया में पढ़ते हो शायद में पढ़ते हो तो पता होना चाहिए इस्खारे का मतलब है कि अल्लाह ताला से खैर मांगना कि जो मैं दुआ कर रहा हूँ उसमें अल्लाह ताला मेरे लिए खैर रख दे और अगर खैर है तो मेरे दिल को तसली हो जाए और अगर अल्लाह चाहे तो ख़्वाब के जरिए भी तसली कर देता है कहीं इस्तबारा नहीं लिखा अल्लाह ताली ने यह नहीं कहा कि इस खबर में तुम्हें दूंगा ज़रूर तुम्हें ख्वाब दिखाऊंगा हैं और तुम्हें ख़बर दूंगा तुम्हें इल्हाम करूंगा कोई तुम्हें रोया कश्यप जाहिर होगा कि हाँ ये लड़की जो है ना मौलवी क्या नाम है तुम्हारा अब्दुल हकीम का, का, के मौलवी हकीम साहब के लिए ही लड़की ज़रूरत है अल्लाह मियाँ को ऐसी कोई जल्दी नहीं पड़ी हुई हकीम साहब के लिए हैं तो जो अल्लाह ताला तिरफ़ दुआ करनी चाहिए कि अगर ख़ैर है तो मेरे लिए आसानियाँ पैदा कर दे तो फिर और अगर दिल को तसल्ली हो जाए दिल को तसल्ली हो जाए अगर तो फिर वहाँ रिश्ता उसको लिए प्रपोज़ कर दो और अगला जो फ्रीक़ है लड़की वाले वो लड़की भी दुआ करे और उसके दिल को तसल्ली हो जाए कि हाँ मौलवी अब्दुल्कम से शादी करनी है तो उसको वो भी कर लेगी अगर उसकी तसली नहीं होती तो फिर जाओ कहीं और तलाश करो जाके ठीक है हो सकता है अल्लाह अल्लाह ताला ने किसी और जगह के लिए तसली कराई हो ठीक है तो इधर ख्वाबों के पीछे ना पड़ा करो ख्वाबें ज़रूरी नहीं होती आनी सिर्फ़ दिल की तसली होनी चाहिए दिल को सुकून मिल जाए अगर एक रिश्ते पर तो बस ठीक है वहाँ प्रपोज़ कर दो अब अगले की मर्ज़ी है उसको मंजूर करता है कि नहीं करता ठीक है बाकी दुआ के ये कभी ना दुआ करना कि अल्लाह ताला अगर तेरे नज़दीक बेहतर नहीं है तब भी हो जाए बाज़ दफ़ा लोग ऐसी दुआ कर लेते हैं और फिर रिश्ता हो जाता है और फिर छः महीने के बाद मियाँ बीवी की लड़ाई शुरू हो जाती है और मियाँ उधर जाता है और बीवी उधर जाती है हैं हैं तो ना फिर लड़ाइयाँ ही होती हैं इसलिए अल्लाह ताला से ख़ैर मांगना जो शादी के बाद भी ख़ैर मांगते रहना चाहिए और फिर शादी के बाद भी जब हो जाए अल्लाह ताला से इस्तिखारा करके अल्लाह ताला ने तसल्ली भी दे दी लड़की को भी तसल्ली दे दी शादी भी हो गई और उसके बाद फिर दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला इस शादी को कायम भी रखे मेरे से कोई ऐसा बातें ना हो जाए ना या मेरी बीवी से ऐसी हरकतें ना हो जाए जिससे हमारे दिलों में फिर दूरियाँ पैदा हो जाएँ ठीक है या हमारी औलाद नेक साले ना पैदा हो फिर भी दुआ मांगते रहना चाहिए ताकि आइंदा नस्ल भी में नेकी चलती रहे और उनमें भी दुआ की तरह तोजह पैदा होती रहे ठीक है तो इसतारा जो है अल्लाह ताला से खैर मांगने वाली दुआ है इसलिए खैर मांगने की दुआ है अल्लाह ताला से इलाम हासिल करने की दुआ नहीं है ठीक है चलो बैठ जो जी जी हाँ जैस खड़े हो जाओ अलैक् वरहुल्ल वक् प्यारेूर वालेकुम अल्लाम खाकसार का नाम है मुस्तफा करी मैं कार्ड कार्ड जरा अपना कार्ड ऊपर करो मेरे चालू गाना से है। अपना अपना कार्ड जो नाम का कार्ड है जरा ऊपर करो ना मैं देखूं जरा ऊपर क्या नाम है जी मुस्त... मुस्तफा मुस्तफा करी करी मुस्तफा करा करी 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 अच्छा अच्छा जी जरा हाँ खाकसार का ये सवाल है कि गाना में गुजरे हुए हमें कुछ दिलचस्प यहाँ गा, गा, गानियन हो आप गाना के रहने वाले हो जी उजूर मैं गाना अच्छा क्या थी, फर... थी, अच्छा अच्छा क्या सवाल क्या सवाल फरमाते हैं आप मेरे सवाल ये है कि उजूर में गाना में गुजरे हुए हमें कुछ दिलचस्प वाकयात सुना सकते हैं दिलचस्प वाकयात अभी एक दिलचस्प वाकया सुना तो दिया फलों के खाने का और कितना सुनाऊं तुम्हें ठीक है मेरा तो हर एक वो इतनी ऑफ हैंड जो है ना अब बातें याद नहीं रहती चालीस साल हो गए कितने साल हो गए मुझे वहाँ से आए हुए फोर्टी थ्री फोर्टी फोर ईयर्स हो गए हैं तो अब मुझे इतनी बातें तो याद नहीं लेकिन बहरहाल दिलचस्प वाक़ात ये हैं कि खज खी हो तो मसीह रा, सालिस राय त दौरा मेरे वक्त में हुआ था वहाँ और उनकी मेहमान नवाजी जो नस, खाने पीने का इंतजाम था मेरे और हम दोनों मियाँ बीवी के सपोर्ट था हमने उनके खाने का इंतजाम करते थे दौरे पे साथ साथ रहते थे और बड़ा एंजॉय किया उस दौरे को हमने तो उस वक्त जो जिस दिन पहुँचे हैं खलीफा सल मिसस तो उस दिन अकरा में ओसू में ही शाम वहाँ लोग इकट्ठे हुए हुए थे और उन्होंने बाहर निकल के जब आप थोड़ा सा ख़ब करने करने लगे मुख्तर असलम कहने लगे लोगों को तो बारिश शुरू हो गई शदीद बारिश शुरू हो गई और खलीफा सालस भी बारिश में खड़े रहे छतरी उसके ऊपर दी हुई थे उनके सिक्योरिटी गार्ड ने लेकिन वो पानी इतना ज़्यादा था कि उनकी शलवार और अचकन सब कुछ भीग गई और लोग भी जो औरतें और मर्द और बच्चे से बैठे रहे कोई हिला नहीं वहाँ से खलीफा सालस बड़े मुतासर हुए कि देखो कितना सबर और हौसला है गहानियन में कि आराम से बैठ के उन्होंने खलीफा उसकी बातें सुनी है और हिले नहीं अपनी जगह से और ये बड़ा अच्छा वाक़ था और ये ज़िमन इसके ज़िम्मन में यह भी बता दूँ कि जब 2005 में मैंने तंजानिया का दौरा किया है तो वहाँ भी शदीद बारिशें हो रही थी वहाँ जलसा था और औरतों में जलसे में जब मैं ख़ताब कर रहा था तो ऊपर जो साबान था वो उसके ऊपर इतना पानी आया कि वो पानी वो फट के सारा झुड़ करके ना पूरा एक पूरे का पूरा प्रणाला जो था ना औरतों के ऊपर आके गिरा एक मजाल है कोई औरत वहाँ से हिली हो बड़े सब्र से बैठी रहीं तो अफ्रीकनों में माशाल्लाह सब्र और हौसला बहुत है और डिसिप्लिन भी है अगर कहाँ चाहे करना कायम करना तो तुम कहाँ से हो नजरिया से, से? मैं गाना सेना से हो हाँ तो डिसिप्लिन भी बड़ा है और इस डिसिप्लिन को कायम करना चाहिए कायम रखना चाहिए इसलिए आप लोग जो मिशनरी बन रहे हैं इनको कोशिश करनी चाहिए कि आइंदा जाके अपनी आइंदा आने वाली नस्लों को भी ये इलावा दीन सिखाने के ये भी सिखाएँ कि इस्लाम हमने डिसिप्लिन सिखाता है और डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है जब वो पैदा हो जाए तो फिर कौमें तरक्की भी किया करती हैं तो इन शाला तला जब अफ्रीका की तरक्की होनी है उसमें किरदार जमात आहमदिया ने अदा करना है इसलिए डिसिप्लिन भी बहुत ज़रूरी है और इसकी जो जो इन बिल्ट क्वालिटी होती है ना इन बॉर्न क्वालिटी जो है वो अफ्रीकनों में बहुत ज़्यादा है उस सिर्फ उसको ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है इसलिए अगर वो ऑर्गेनाइज कर लें तो इन शाह तला अफ्रीका ने दुनिया पर रूल करना है और उसके लिए आप लोगों ने उसके लिए उसके लिए आप लोगों ने किरदार अदा करना है ठीक है चलो बैठ जाओ

अभी काजस्तान का सूप याद आता है अक्सर <laughs> दर्जा राबिया के तालब इम है अच्छा माशाल्लाह। और मेरा सवाल ये है हम किस तरह मुताला करने के आदत अपने अंदर पैदा कर सकते हैं कि, किसी भी काम करने के लिए पुख्ता इरादा होना चाहिए आप अपना टाइम टेबल बनाएं पहले तो एक दिन एक दिन अपना ये टाइम टेबल ये बनाएं पहले दिन एक हफ़्ते के लिए ये देखें कि जो कुछ आपने काम किया है ना सुबह सो के जागने से ले रात सोने तक उसको लिखते जाएँ हैं जो भी काम किया वो लिखते जाएँ गुस्लखाने गए हैं वज़ू करने गए हैं टॉयलेट गए हैं हर एक का वक्त लिखते जाएँ सुबह से शाम तक हैं एक हफ़्ता इस तरह अपने सारी जो भी आपकी एक्टिविटीज़ थी ना दिन की उनको नोट करते जाएं ठीक फिर देखें फिर देखें कि इस सारे जो मैंने नोट किया है इसमें कितना वक्त मैंने ज़ाया किया और कितना वक्त मैंने काम में लगाया ठीक है कितना वक्त ऐसा था ज़रूरियात के लिए ज़रूरी था और कितना वक्त ऐसा था जो ज़रूरियात के नाम पे मैंने बिला वजह ज़ाया किया उसका एनालिसिस करें ठीक उसके जब हो जाएगा एक हफ़्ते का फिर अगले हफ़्ते के लिए एक टाइम टेबल बनाएँ कि अब मैंने ये देख लिया कि मेरी कमजोरियां क्या हैं जो दिन को मैंने देखी और मेरी जो जो, जो अच्छाइयाँ थीं वो क्या हैं दिन गुज़ारने की वक्त को सही इस्तेमाल करने की फिर उसके मुताबिक अपना टाइम टेबल बनाएं एक हफ़्ता अब एक हफ़्ता उसको बनाएं टाइम टेबल को देखें इतने बड़े मैंने जागना है और तहजद के नफल पढ़ने हैं फिर फजर की नमाज़ पढ़नी है कुरान करीम की तलावत करनी है अगर आप सही वक्त को इस्तेमाल करना चाहें तो आप सुबह भी मजद के नफल के लिए अगर आप उठते हैं उससे लेके और फजर की नमाज़ के दरमियान तक वक़ा जो मिलता है ऐसा बाज़ दफ़ा उसमें नफल का वक्त ख़त्म हो जाता है और नमाज का वक्त अभी जमात जमात का रहता है उसमें आप कुरान करीम पढ़ सकते हैं या कोई तस्ीर का मतलब कर सकते हैं ठीक है तो उसको अगर सही इस्तेमाल करें फिर कुरान करीम की तलावत करनी है फिर जामिया जाना है या उससे पहले को सोने का वक्त है तो सो लिए रेस्ट कर लिया फिर जामिया जाने की तैयारी कर ली जामिया गए पढ़ाई की पढ़ाई ख़त्म हुई स्टडी टाइम जामिया का हुआ खेलों का टाइम हुआ रात का खाना हुआ रात को स्टडी टाइम हुआ वो सारा कुछ देख बनाएँ अपना टाइम टेबल जो जामिया का कंपल्सरी टाइम टेबल है उसको भी अपने अपने टाइम टेबल में शामिल करें और अपना ख़ुद वॉल्टियर टाइम टेबल जो आप बना रहे हैं वो भी करें ठीक है और फिर उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपने मुताल के लिए कितना वक्त रखा हुआ है और कितना मुताल करना समझ है समझ गए मौलाना अब मौलवी आप मौलवी बगैर अब आपके चे कोई स्किन एलर्जी तो नहीं है आपको स्किन की एलर्जी है कोई खाल की एलर्जी है नहीं है तो फिर दाढ़ी क्यों नहीं रखी हुई आपकी दाढ़ी मुंह पे आया और आप रखते क्यों नहीं है? फिर थोड़ी थोड़ी सी दाढ़ी होनी चाहिए ना मुरबी साहब की कि किस क्लास में हो किस क्लास में हो राबिया में बस दो साल रह गए मुरब्बी बनने के दाढ़ी मौली साहब अभी दुकान है दाढ़ी चलो अच्छा चलो फिर बैठ जाओ जजाक हाँ जी खड़े हो जाओ सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। हजूर वालेक नाम मुराद कासिम है हुजूर मेरा सवाल ये है कि जामिया की रूटीन की वजह से सोने का वक्त कम मिलता है तो प्यारे हुजूर एक जामिया का तालिब इलम को कितनी नींद लेनी चाहिए अच्छा माशा अगर सो के सोते रहे तो फिर दुनिया किस तरह फता करोगे हमने किस कहाँ कहाँ कहा, कौन सी रशियन स्टेट से हो कहाँ के हो कहाँ से आए थे से से है उर्दन से। तो उर्धन को फता करना है सारे अरब दुनिया को फता करना सो के है के गुजार गए हैं तो सो सो के गुजर गई फिर क्या हो गया हैं तो बात यह है कि अपना टाइम टेबल जिस मैंने अभी बताया ना तुम्हारे से पहले लड़के को अपना टाइम टेबल बनाओ उसमें वक्त रखो जी। और उसमें छः घंटे सोने का वक्त रखो छः घंटे बहुत होता है सोने के लिए और छः घंटे मिल जाते हैं अगर आदमी तो सही तरह देखे तो हैं अगर वक्त ज़ाया ना करे वक्त ज़ाया ना करे गपों में वक्त ज़ाया ना करे टीवी देखने पे वक्त ज़ाया ना करे टेबलेट पे बैठ के बिला वजह गेमें देखता हुआ वक्त ज़ाया ना करे हैं और इंतज़ामिया को दौड़ लगाने की कोशिश ना करे हैं और अपने फै अपने वक्त को सही यूटिलाइज़ करे तो छः घंटे आराम से मिल जाते हैं सोने के लिए ठीक है छः और प्रिंसिपल साहब को भी चाहिए कि छः घंटे इनके सोने का इंतज़ाम करने के बाद बाकी छः घंटे और तीन घंटे इबादत नमाज़ों नमाज़ों के और इबादत के नौ घंटे दो घंटे खाना खाने के लिए हैं ग्यारह घंटे हैं और दो घंटे खेलों वग़ैरह के लिए हैं तेरह घंटे ठीक है और जो जामिया है वो कितने घंटे लगता है जा, जा, आद, आद हैं। आठ घंटे नहीं आठ बजे से शुरू होता है और दो बजे से पहले खत्म हो जाता है तो तो घंटे तो हुआ ना अच्छा जी, जी, तो फिर ग्यारह घंटे मैंने बनाए थे पहले कि तेरह घंटे बनाए थे तेरह अच्छा तेरह में छः शामिल करो पाँच घंटे रह गए अब छः घंटे सोने के बाद भी पाँच घंटे आपके पास मिल जाता है जिसमें मुताल भी कर सकते हैं मुतफरक चीज़ें भी कर सकते हैं ठीक है और आप लोग अगर दो घंटे भी मुताल कर रहे ना बायदा हैं तो तो फिर तो भी तीन घंटे बच जाते हैं और दो घंटे मुताल की अगर आदत पड़ जाए ना किसी को तो आप लोग बड़े आलिम बन सकते हैं दुनिया को फ़ताह कर सकते हैं ठीक है तो ये तो अपना इस्तेमाल है वक्त का चौबीस घंटे बहुत होते हैं काम करने के लिए है ठीक है मुझे बज दफ़ा लगता है कि मेरे लिए चौबीस घंटे छोटे हैं थोड़े हैं लेकिन आपके लिए चौबीस घंटे बहुत हैं ठीक <laughs> चलो बैठ जाओ हाँ अब आखिर आखिर की तरफ इसके बाद फिर आखिरी जो लोग बैठे हैं ना उनके पास जाना है अब तुम सवाल कर लो फिर जो आखिरी लाइन है उसको दे देना अच्छा हाँ फरमाओ जी खादार का नाम महमूद बा है का सवाल ये है क्या हु गाना का विजिट करने का प्रोग्राम है मेरा प्रोग्राम तो सारे अफ्रीका का विजिट करने का दुआ करो अल्लाह हला ताला हालात बेहतर करे तो मैं करूँ सेनेगाल भी जाऊँ ठीक है हालात इजाज़त देंगे तो सेनेगाल भी जाऊँगा ताला शैनिकाल के तुम्हारे बाद बड़े बाद बड़े मिनिस्टर और बाद लोग आए थे यहाँ बड़े बड़े लोग जलसे पे जर्मनी में भी उनसे मैंने कहा था मैं आऊँगा मेरा उन्होंने दावत भी दी थी मुझे तो घाना भी इंशाल्लाह आएंगे और वहाँ भी जाएंगे जहाँ जहाँ अल्लाह ताला ले जाए ख्वाहिश तो बहुत है बाकी अल्लाह की मर्जी है ठीक है चलो अब अब आखिर में दे दो आखिर में सलामकुम खासार का नाम अब्दुल अब्दुलसलम है हाँ मैं दर्जा उला में हूँ दर्जा दर्जाउला में दाढ़ी तो आप दर्जा तो दाढ़ी दाढ़ी तो आपकी दर्जा खामसा वाली है और है अभी दर्जा उला में है? अच्छा क्या कहते हो हाँ जी क्या फरमाते हो मेरा सवाल यह है कि जो लोग ताल को नहीं मानते उनको है? समझने के समझने के लिए जो लोग खुदा को नहीं मानते उनको समझाने के लिए सबसे मज़बूत दलील कौन सी है बात यह है कि जो लोग खुदा ताली को नहीं मानते वो बात सुनना भी नहीं चाहते ठीक है मज़बूत तो दलील है तो खुदा ताली की अपना ज़ाती तजर्बा है आप उनको कहें कि तुम कहते हो खुदा नहीं है मैं कहता हूँ खुदा है मैंने खुदा से मांगा मुझे उसने दे दिया आपकी दुआ कबूल हुई ना कोई आपने कभी दुआ की आपकी दुआ कबूल हुई कि नहीं हुई तुमने कभी दुआ की है अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कभी सुनी है जी जी कि नहीं जी तुम्हारी तुम्हारी दुआ कभी अल्लाह ताला ने सुनी कबूल करेगी दुआ हुई कबूल जी जी Just. जी बस तो लोगों जो खुदा को नहीं मानते उससे कहो कि खुदा ताला तुम कहते हो नहीं है मैंने तो अल्लाह ताला से मांगा और मुझे अल्लाह ताला ने दिया तो मेरा तो ी तजर्बा तो है अल्लाह ताली की ात पे मैं किस तरह कह दूँ कि खुदा तला नहीं है हाँ तुम भी अगर कोशिश करोगे तो फिर तुम्हें भी अल्लाह मिल जाएगा लेकिन ये लोग जो है ना खुदा को नहीं मानते ये लोग बड़े ढीठ लोग होते हैं ये ये कि यहाँ भी एक है एथियसट है उसने भी किताब लिखी कहाँ के रहने वाले हो नजेरिया के जी साहब हैं खुद कहाँ के रहने वाले हाँ यहाँ भी एक एथिस्ट है डॉकन्स हैं वो वो बड़ी खुदा तला को नहीं मानता और किताब भी उसने लिखी खुदा तला के ख़िलाफ़ उसको मैंने फाइव वालीम कमेंट्री भी भिजवाई और दूसरी किताबें भिजवाई इस्लामी असूल की फ़िलासफी मैंने कहा ये पढ़ो फिर हमारे से बात करो तुम्हें पता लगे कि खुदा क्या है और खुदा का क्या तसवर है उसने कहा जी मैंने कुछ नहीं पढ़ना तो सिर्फ तुम मेरी किताब पढ़ो मैंने तुम्हारी किताबें कोई नहीं पढ़नी तो ये लोग तो ढीट होते हैं जो ढीठ हो जाएं उन्होंने किसी तरह नहीं मानना हाँ जो थोड़े से जिनके अंदर कोई नेक फ़ितरत होती है उनसे ज़ाती ताल्लुक़ रखो पर्सनली और उनको फिर अपने ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से खुदा तला के करीब लेके आओ बाद दफ़ा जो अपना कुर्ब है वो भी असर डालता है और इंसान को कि दूसरे इंसान के लिए तब्दीली का बायस बन जाता है तोी तजर्बा जो है वो सबसे मौसर चीज़ है यहाँ भी मेरे से कई दफ़ा बाद लोग आते हैं मुलाकातें करने वाले प्रेस वाले भी आते हैं बाज़ बल्कि बाद बार बार में बाज ने इजहार किया कि हम खुदा को तो नहीं मानते लेकिन अगर कभी खुदा को माना तो हम तुम्हारे खलीफा की वजह से मानेंगे कि इसने हमें ज़रा खुदा तला की सही बात बताई तो ये दिल दिलों को नरम करने के लिए फिर दुआ होनी चाहिए ज़रूरी कि अल्लाह ताला दिलों को नरम भी करे इसलिए झाती नमूना जो है ना वो बहुत ज़रूरी है अपना वो पेश करें और अपने तजुर्बात बयान करें कबूलियत दुआ के लिए सबसे ज़्यादा जो है ना मेरे साथ अल्लाह के क्या सलूक है जब अपना सलूक अल्लाह के साथ बना बताएँगे तो वो जो फर्स्ट एस एक्स, एक्सपीरियंस एक्स है उससे लोगों को फिर ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं ठीक है चलो फिर बैठ जाओ बाकी दलीलें तो बेशुमार हैं हमारा खुदा है हस्ती बारी ताला के दस दलाल हैं हस्ती बारी ताला मुस्लिम अवद किताब है ये सारी किताबें उर्दू में भी इंग्लिश में भी आ गई हैं ये पढ़ो और ये उनको पढ़ने के लिए भी दो फिर इसी तरह अगर कोई पढ़ने लिख पढ़े लिख, पढ़ा लिखा आदमी है और वो पढ़ना जानता है तो उसको इस्लामी असूल की फ़िलासफी एक तो पहले देनी चाहिए फिर हस्ती बारी ताला के दस दलायल हैं वो देनी चाहिए छोटी छोटी किताबें हैं फिर रेवोल्यूशन रेसनैलिटी उसकी अब एक किताब है उसका एक चैप्टर जो है खुदा ताली की ज़ात पे वो भी मुतासर कर देता है हमारा खुदा की भी इंग्लिश ट्रांसलेशन हो चुकी है वो देना चाहिए कि पढ़ो अब पढ़ने के बाद भी अगर कोई नहीं मानता तो हमारा काम तो सिर्फ पैगाम पहुँचाना है किसी को हम हदायत का लिए कोई गारंटी नहीं दे सकते अल्लाह ताली ने हदायत की ज़िम्मेदारी अपने स्पुर है हमारेदारी हमारे, हमारे सपुर सिर्फ तबलीग की जिम्मेदारी डाली है कि हम तब्लीग करें और अल्लाह तस्ते की, की तरफ लेके आए ठीक है हाँ और दूसरा खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ हाथ खड़ा किया वो पीछे सलामकम वरह वर्क वाले वरहमल वरक हाँ जी फरमाओ खा खौस। नामफीज हाँ, अबीबुल्ला है खक्सर का ताल्लुक नजरिया से है नजरिया से है मैं दार जी नजरिया से है अच्छा माशाल्लाह क्या फरमाते हो अजीब बोला मैं में पढ़ता हूँ किस क्लास में मेरा सवाल में। में माशाल्लाह अच्छा क्या फरमाते हो सर का सवाल ये है कि बाज लोग कहते हैं कि क्योंकि उनकी जरूरत पूरी हो जाती हैं इसलिए उन्हें दुआ करनी कोई की को, कोई जरूरत नहीं है तो हमें उसे क्या कहना चाहिए जो खुदा को नहीं मानते वो लोग यही कहते हैं ना हमें खुदा करने की क्या दुआ करने की क्या ज़रूरत है तो ज, वो लोग सिर्फ़ इस दुनिया को देखते हैं अल्लाह ताला ने तो फरमाया है कि ये दुनिया नहीं है जो जो हमेशा रहने वाली दुनिया है जो लंबी रहने वाली दुनिया है वो तो आखिरी ज़िंदगी है यहाँ तो तुम सत्तर साल या अस्सी साल नब्बे साल सौ साल ज़िंदा रह, रह लोगे जो इस दुनिया को समझते हैं वो अल्लाह कहता है फिर ठीक है तुम इस दुनिया को सब कुछ समझते थे यहाँ बड़े खुश थे कि हमें सब कुछ मिल गया और हम अपने अहल आल में भी बड़े खुश थे हैं लेकिन जब जब मरोगे ना तो वहाँ पता लग जाएगा किस भाव बिकती है पता लग जाएगा कि ये दुनिया अच्छी है कि वो, <laughs> वो दुनिया अच्छी है हैं इसलिए उनको यही कहना है कि अल्लाह ताली तो ने कुरान शरीफ में कह दिया शैतान ने जब कहा था शैतान ने तो इस तरह तो बरगलाना बरगलाना था ना दुनिया को कि ये दुनिया अच्छी है ये चीज़ें नेमते हैं जाहरी जहरी चीज़ें अच्छी हैं इनके पीछे चलो और अगला जहान तो पता नहीं है आना भी है कि नहीं है वो पंजाबी में एक मिसाल है ए जहान मीठा तो अगला किन्ने डिठा कि ये जहान ये दुनिया जो है वो तो बड़ी मीठी मीठी है बड़ी अच्छी है अगला जहान किसने देखा है किसी को क्या पता है लेकिन अल्लाह ताला कहता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगला जहान जो है वो आने वाली तुम वहाँ जाके तुम जो कहते थे ना कि हम अपने अहलोल में बड़े खुश थे वो फिर वहाँ जाके रोएंगे जब जहन्नम में डाले जाएंगे तो उनको सिर्फ दुनियावी एक इंसान अगर अपने मकसद पैदाइश को पहचान ले जैसा कि शुरू में मैंने ज़िक्र किया था तो उसके लिए सिर्फ ये दुनिया नहीं सब कुछ होती वो दुनिया को मैं रहता है लेकिन खुदा तला को याद रखता है उसको असल चीज़ उसके मकसद मकसद ये होता है कि मैंने खुदा तै को राज़ी करना है और उसके बाद फिर उसको अल्लाह ताला दुनिया भी देता है और आखिरत की नेमतें भी देता है अब मैं साहबा का जिक्र आजकल कर रहा हूँ ख़तबात में देखो कई साहबा थे जिनका ज़िक्र आता है ख़ाली हाथ थे उनको अल्लाह त दीन दिया और फिर दीन से एक के उनको इतनी दौलत दी कि दौलत उनसे संभाली नहीं जाती थी बेशुमार दौलत थी फौत हुए जो वही लोग जो ख़ाली हाथ आए थे हिजरत करके जो फ़ौत हुए तो करोड़ों की जदादें थीं उनकी उनको दुनिया में भी अल्लाह ताला ने दे दिया लेकिन वो अल्लाह को नहीं भूले अल्लाह उनको याद रहा और अगले अगले जहान में भी अल्लाह कह दिया रज़ी अल्लाहन हूँ अल्लाह ताला उनसे राज़ी हुआ नहीं? तो हमारा जो मकसद है ये सिर्फ दुनिया नहीं है एक इंसान का मकसद जिसको जिसमें अक़ल हो जिसको ख़ुदा पे यकीन हो जिसको आखिरत पे यक़ीन हो वो सिर्फ़ इस दुनिया को नहीं देखता वो अगले जहान को भी देखता है ये दुनिया की नेमतें अगर नहीं भी बाज़ जगह मिली तो अगले जहान में अल्ला कहता है बाज़ों को मैं इस दुनिया में नियमते नहीं भी देता बाज़ हर चीज़ ज़रूरी नहीं मिल जाए पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होती किसी को कम देता है अल्लाह ताली किसी को ज़्यादा देता है लेकिन उसकी नकियाँ जो हैं उनको दर्ज करता रहता है अल्लाह ताली इंसाफ़ी नहीं करता अल्लाह ताली बल्कि मालिक है जितनी नेकी करो उससे बढ़ कर देता है सात सौ गुनाह तो उससे भी बढ़ कर इसलिए अल्लाह ताली अगले जहान में उन नेकियों का पलड़ा भारी करेगा और जो हमेशा रहने वाली ज़िंदगी की तस्वर है ये तसर अगर ये तसवर कायम हो जाए कि इस मरने के बाद भी ज़िंदगी है जो हमेशा की ज़िंदगी है तो इंसान फिर इस दुनिया में ये बातें नहीं करता कि मुझे इस दुनिया में सब कुछ मिल गया वो अगली दुनिया की भी तलाश करता है और एक मोमेंट जो है उसको अगली दुनिया की तलाश की तरह तो देनी चाहिए बजाय इस दुनिया के हाँ अल्लाह ताला का फजल होता है तो वो इस दुनिया में भी बहुत कुछ दे देता है और बज़ दफ़ा इस दुनिया में जो है जो बास ख़्वाहिशात हैं वो उनकी खत्म वो ऐसी ख्वाहिशात रखता ही नहीं जो दुनियादार रखता है वो किसी ने पूछा था ना कि तुम्हारी कोई ख़्वाहिश उन्हें कहा जी मेरी जिसकी मेरी तो सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई उन्हें कहा तुम गरीब आदमी हो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें कहाँ से पूरी हो गई तो उसने जवाब दिया बुजुर्ग ने कि जिसकी ख्वाहिश जिसकी कोई ख़्वाहिश ही ना रह जाए दुनिया की तो उसकी सारी ख़्वाहिशें पूरी हो जाती हैं जिसको अल्लाह ताली की तलाश हो जब अल्लाह मिल जाए वो समझता है मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई इसलिए हमेशा एक मोमेंट को अल्लाह की तलाश करनी चाहिए जब अल्लाह की तलाश करोगे तो इन शह दुनिया भी मिलेगी दीन भी मिलेगा अल्लाह ताला का कुर्ब भी मिलेगा इस दुनिया में भी इज्जत पाओगे अगले जहान में भी इज्जत पाओगे ठीक बैठ जाओ जी बैठ जाओ फिर हाँ आगे क्या कहते हो अल्लाम आईकुम प्यार हजूर वालेकुम अक्सर का नाम यूसुफ फिर है हक्सार का ताल्लुक गाना से है और हक्सार दर्जा ओला का तालब इलम है हक्सार सवाल यह है कि हम नमाज में लजत कैसे हासिल कर सकते हैं है? लजत कैसे हासिल कर, कर सकते हैं हम नमाज में जी इसका एक सादा सा तरीका मसीम ने बताया है कि तुम रोनी शक्ल बना लो जब इंसान जहरी तौर पे अपनी शक्ल बनाता है ना जैसी हालत तारी करने की कोशिश करता है तो दिल के जज्बात भी फिर वैसे होने शुरू हो जाते हैं जब रोनी शक्ल बनाओगे हैं और जो सूर्य फातह पढ़ रहे हो तो यह का नोद होगा यह का नास्ते इन को बार बार दोहराओ और गौर करो और रोनी शक्ल बनाते जाओ तो एक वक्त में तुम्हें रोना आ जाएगा जब तुम्हें रोना आएगा जब दिल में रिकत आई होगी नरमी पैदा होगी तो फिर तुम्हें उसमें एक लजत आनी शुरू होगी फिर तुम रुक रुकू में जाओगे फिर जब तुम दुआ पढ़ोगे फिर तुम्हें लजत आएगी फिर समय अल्लाह कहोगे तो फिर तुम्हें लजत आएगी सजदे में जाओगे फिर तुम्हें बेचैनी से तड़पोगे फिर लजत आएगी तो उसी शक्ल में अपने आप को तारी करना पड़ेगा एक मुजाह है एक कोशिश है वो कोशिश करोगे तो फिर तुम्हारी लजत पैदा होती जाएगी और जब एक दफा लजत आ जाएगी फिर तुम्हें मज़ा आता रहेगा हर दफ़ा ही तुम कोशिश करोगे कि मुझे नमाज़ में अल्लाह के हाज़िर हों और रोँ तो मुझे मज़ा आए मुझे लुत्फ़ आए और जो अल्लाह के आगे सजदे में रोने का मज़ा आता है ना वो हर मज़े से बहुत बढ़ के होता है ठीक है जी और अल्लाह से ये दुआ करो कि जो तुम्हें जिस ऐहद के साथ तुम आए हो जाम अहमदिया में अल्लाह ताला उस उसद को पूरा करने की निभाने की तोफ़ी दे और तुम एक अच्छे मुरबी और ममालिक बन के निकलो और अपनी कौम में तबलीग करके इस कौम को अल्लाह ताला के सामने झुकाने वाले बनो और फिर उनमें से भी वो लोग पैदा हों जिनको बात तो मैं आने वाली हो ठीक है ना समझ गए मेरी बात जी समझ गए मेरी बात जी चलो बैठ जो जी हजूर जजाकल्ला अब एक सवाल सिर्फ और है वक्त ख़त्म हो रहा है मैंने पांच मिनट लेट शुरू किया था इसलिए मिनट पाँच पाँच मिनट तो ज़्यादा वो पूरा वक्त हो चुका है एक सवाल करके दो मिनट ज्यादा दे दूंगा बस है ना तुम्हारो क्या कहते हो तुम्हारा नाम क्या है तुम नाइजेरिया से हो का नाम अब्दुल्ला अनिक्सी से है आ, तो अच्छा अच्छा अनिक्सी से है कहाँ के रहने वाले हो अब्दुल्ला अब्दुल्लासार का नाम अब्दुल्ला अनिक्सी से है अनुला अब्दुल्ला अनिक्सार का तालुक गाना से है कहा से जी गाना से गाना अच्छा कौन से कहाँ के रहने नॉर्थ नॉर्थ के हो के हो साउथ के में पड़ता है नॉर्थ में हो या साउथ के हो गाना से किस इलाके के हो अशांटी के या फां नॉर्थ के हैं है? वहां से वाह वाला हो वाला हो अच्छा अच्छा हाँ मिस्टर वाला क्या कहते हो प्यारा हजूर खाकसार सार का सवाल है कि पढ़ाई के दौरान आप आप कौन से शुबा में जाना चाहते थे मैं जिस शोबे में जाना चाहता था वहाँ जा नहीं सका और ऐसे शोबे में आ जा गया जहाँ मैं जाना नहीं चाहता था ठीक <laughs> है मैंने पहले साइंस रखी हुई थी मेरा ख्याल था शायद मेडिसिन कर लूँगा वो भी नहीं मेरे से हो सकी फिर मैंने इकनॉमिक्स में एग्रीकल्चर में किया फिर मैंने मैंने ये दुआ की थी कि अगर मेरे अच्छे नंबर आ जाएंगे एमएससी में तो फिर मैं वक्फ़ कर दूंगा वो अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती मुझे अच्छे नंबर दे दिए मैंने कोई मेहनत नहीं की थी अल्लाह ताला ने ज़बरदस्ती दे दिया तो फिर मैं फ़र्स्ट डिवीज़न मेरी आ गई और अच्छी आ गई फर्स्ट डिवीज़न फिर मैंने वक्फ कर दिया फिर मुझे अफ्रीका भेज दिया और फिर बस अल्लाह ताला ही मुझे उंगली पकड़ के चलाता रहा मुझे तो समझ नहीं आई मैंने क्या किया क्या नहीं किया इसलिए हमेशा अल्लाह ताली का दामन पकड़ लो अल्लाह ताली का हाथ पकड़ लो उसी से मदद मांगते रहो तो अल्लाह ताला ख़ुद ही चलाता रहता है तो मिशनरी जो है ना ख़ास तौर पर जो मिशनरी बन रहे हैं वो अल्लाह ताला को खास तौर पर उसका दामन पकड़ लें उसका हाथ पकड़ लें और फिर उससे मांगें कि बस तू अपनी मर्ज़ी से हमें सही रहनमाई करता रहे हमें चलाता रहे और हमें वो बना दे जो तू बनाना चाहता है पर अल्लह तना दे जो वो बनाना चाहता है तो उसी में बरकत है उसी में फजल है ठीक ठीक चलो तुम्हारा तो वक्त ख़त्म हो गया अब प्रिंसिपल साहब दो मिनट मैंने आपको ऊपर दे दिए हैं अब आप क्या फरमाते हैं ये आपके 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 लेफ्ट साइड पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे समी ख़ान साहब बैठे हैं जी जी हजूर समी साहब समी खान साहब अच्छा क्या कहते हैं उनको गाना पसंद आया कि नहीं अभी तक तो वो खुद ही बता सकते हैं है। तुल्ला तुल्ला। अच्छा। बहुत अच्छी जगह है जी। जी आठ साल रहे हैं तो मुझे तीन साल <laughs> अभी तीन साल हुए हैं तो आप तो तीन साल में डर गए हैं दौड़ने लगे <laughs> हैं

हैं नहीं करते है? अच्छा ठीक है।, है।, है निगरान भी है। है? हैं हो सके आपने आप आपने ये दिखाया था यहाँ से सड़क सड़क जाती जाती एकेडमिक ब्लॉक पे आकर रुक गई और उसके बाद मस्जिद भी चली गई हॉस्टल का नज़ारा नहीं दिखाया ना हॉस्टल का नज़ारा दिखाया मुझे ना मुझे वो जो स्टाफ क्वार्टर हैं घर हैं वो भी दिखाए तस्वीर में अभी जब नजम पड़ रहा था बच्चा उसको बाहर की नजर व्यू दिखा रहे थे उसमें आपने मस्जिद पे आके रुक गए अब फिर वो शुरू हो गया है इसके इस... हो गया। जब एक, इस, गया। दाँगी तरफ दाँगी तरफ दाँगी तरफ, दाँगी तरफ स्टाफ हैं अच्छा। हमारे पास कुल इस वक्त बारह ही हमारे अच्छा ये जो एकेडमिक ब्लॉक है ये सामने नजर आ रहा है इसके पीछे मस्जिद है जिसमें इस वक्त जी इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं जी ग्रीन छत जिसकी है और ये हॉस्टल है जी मस्जिद के पीछे हॉस्टल है जो एक क्यूबिकल शेप में नजर आ रहा है इसके बाद ये है जी हजूर ये वाला हॉस्टल है ये हॉस्टल है साथ भी हजूर दो दो स्टाफ अकोमोडेशन है ये राइट हैंड साइड पे दो घर हैं जो नए बने हैं अच्छा तो ये जहाँ जहाँ आपने सड़क तो अच्छी कर ली है कुछ लॉन्च भी बेहतर कर ली है थोड़ी थोड़ी करके सड़क को पक्की भी करवाते रहे जी जी हुजूर कुछ कुछ एरिया पक्का करवाया है जो एंट्रेंस से लेके हमारे एक्डेमिक ब्लॉक तक आता है चलो फिर अल्लाह हाफिज हो बचो जी हुजूर हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं ज़ामिया के तलबा की तरफ से इस की तरफ से आज हमारी वक्त बेदारी है अच्छा चलो बहरा घाना मेगा जाम है यहाँ मैं रहा हूँ कुछ अर्सा अल्लाह हाफिज हो सब प्यारे बच्चो अलकुमल सामकम